हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। हमने पिछले क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस कर लिया था और हमने डिफ्यूजन के बारे में समझ लिया था। और मैंने कहा था कि आज हमें पढ़ना है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। आज हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज वो है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान की इकाइयां, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बातें सुनी है कि हम टेम्परेचर को किस किस यूनिट में नापते हैं। तो आपने, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि हम किस किस यूनिट में नापते हैं टेम्परेचर को, तो आपने दो वर्ड सुने हैं। आपने सुना है डिग्री सेल्सियस, एक आपने सुना है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरा आपने सुना नहीं है, मैं लिख देता हूं पहले इनके नाम। ठीक है, फ़ारेनहाइट, और इनके अलावा एक और यूनिट होती है जिसका आपने अभी तक नाम नहीं सुना, बट अब आप सुनेंगे इसका नाम, जो कि है केल्विन। इसको के से लिखते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को ऐसे डिनोट किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और केल्विन को इस तरीके से, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आप नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, तो एवरीडे लाइफ में जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें कभी भी टेम्परेचर का जिक्र होता है तब वहां पर आप डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि आज का टेम्परेचर कितना है, आज गर्मी कितनी है, तो वो गर्मी का टेम्परेचर आप जो है किसमें बताते हैं, वो आप बताते हैं डिग्री सेल्सियस में, कि आज 30 डिग्री सेल्सियस है, आज 40 डिग्री सेल्सियस है, कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज 45 डिग्री सेल्सियस है, आप इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। आप बोलते हैं 45 डिग्री गर्मी है, कुछ लोग इतना ही बोल के छोड़ देते हैं 45 डिग्री गर्मी है, उसमें वो जो डिग्री बोल रहे हैं वो एक्चुअल में डिग्री क्या है, वो एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या आप बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, या 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है, तो 0 डिग्री किस पे बर्फ जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, ठीक है ना। वाटर जो है वो किस पे जम जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि सेल्सियस हम किसमें नापते हैं, तो जो हम एवरीडे लाइफ में जो भी हम टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करते हैं वो बातें होती हैं सेल्सियस में। दूसरा है फ़ारेनहाइट। आपके बुक में फ़ारेनहाइट के बारे में नहीं है, ठीक है, तो फिर भी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट जो है ज़्यादातर आप बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई से भी टेम्परेचर बताने के लिए फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे फ़ारेनहाइट से नापा जाता है चीजों को, सेल्सियस से कम नापा जाता है, कुछ कंट्रीज में सेल्सियस से ज्यादा नापा जाता है, फ़ारेनहाइट को कम यूज किया जाता है, ठीक है, और कहीं पे दोनों का यूज किया जाता है। अब जैसे हम सेल्सियस का यूज मैंने आपको बताया कि आप जैसे पानी उबल रहा है वो बताते हैं आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, आप इस तरीके से बातें करते हैं। बट अगर मैं कहता हूं कि उसे 100 डिग्री बुखार है, ठीक है, उसे 100 डिग्री बुखार है, इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या उसे 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो नहीं। अरे 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, अभी हमने बात करी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, पानी उबल जाता है तो अगर किसी इंसान का शरीर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए तब तो उसका शरीर भी उबल जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारे नॉर्मल जो डेज होते हैं आप देखते हो 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी आते ही हमें कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, तो 100 डिग्री क्या वो सेल्सियस हो सकता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। तो जब हम बुखार की बात करते हैं कि किसी को 101 बुखार है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, 101 कई लोग सीधा मतलब इतना ही बोलते हैं 101 बुखार है या 102 बुखार है, कई लोग कहते हैं इसको 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री क्या है, वो सेल्सियस है क्या, तो नहीं वो सेल्सियस नहीं है, वो फ़ारेनहाइट है। वो क्या है, फ़ारेनहाइट, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है, ठीक है। और
जो भी आपको बुखार बताया जाता है वो फ़ारेनहाइट में बताया जाता है कि 102 बुखार, 103 बुखार, वो सब फ़ारेनहाइट में नापते हैं आप बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। अब एक ये नया आया है कैल्विन, जो कि आपके लिए नया है, मतलब नया आया है का मतलब ये नहीं कि अभी अभी आया है तो ये पुराना ही मतलब साइंटिस्टों का निकाला हुआ, पर आपके लिए नया है क्योंकि आपने जीवन भर इन दोनों का नाम तो बहुत सुना है, पर इसका नाम आप अब सुनना शुरू करेंगे। और आज के बाद अब जब तक साइंस पढ़ेंगे अपने लाइफ में, तब तक आप कैल्विन का नाम नहीं भूलेंगे, कि क्योंकि जो कैल्विन होती है ना, यही हमारे टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। हमारे टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो कैल्विन ही होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर को आपसे पूछा जाए कि उसका एसआई यूनिट क्या है, तो कई लोग सेल्सियस लगा के आ जाते हैं क्योंकि वो जीवन भर सेल्सियस का नाम सुन रहे होते हैं, पर पता होना चाहिए आपको कि उसके एसआई यूनिट क्या होती है, कैल्विन। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेल्सियस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ये 0 डिग्री पे बर्फ बन जाना, 100 डिग्री पे पानी का उबल जाना, ये सब हमें पता है। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, और कैल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, ये मैं बता देता हूँ। आपके एग्जाम में फ़ारेनहाइट से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं जो फ़ारेनहाइट के बारे में बता रहा हूँ आपको, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है 9/5C+32। यहाँ पे सी जो है सेल्सियस है, ठीक है। आपसे जितना भी बोला जाए ना कि सेल्सियस, आपसे सेल्सियस बोला जाए और आपको बोला जाए फ़ारेनहाइट में निकालो, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, और इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो कि कितने सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, तो वो फ़ारेनहाइट में कितने पे उबलता है, तो फ़ारेनहाइट पे अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना होगा, 9/5, और सी की जगह आपको 100 रख देना है, प्लस में 32। आपको 5 के टेबल से 100 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 9 दूनी 18, 180 और 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो है बॉयल करने लगता है, अगर हम फ़ारेनहाइट पे बात करें तो। और इसमें अगर हम पानी के जमने की बात करें, यानी फ्रीज होने की बात करें, कि पानी जो है बर्फ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे बन जाता है, सेल्सियस में तो 0 पे बन जाता है, पर फ़ारेनहाइट में कितने पे बन जाता है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बनता है, तो सी की जगह आपको क्या रखना है, 0। यहाँ पे सी की जगह आपको क्या रखना था, 100, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा F इजिकल टू 9/5 × में 0+32, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 32। यानी कि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। यानी कि पानी जो है फ्रीज होकर बर्फ बन जाता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो उबलने लगता है, ठीक है। ये सबका अपना अपना स्केल है, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं कहना कि इस पे 0 डिग्री पे क्यों नहीं होता, तो ये सब साइंटिफिक कैलकुलेशंस के द्वारा इन्होंने निकाली है, ये सारी की सारी जो क्या नाम है फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। सब जैसे अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने सेल्सियस डिग्री यूनिट बना दी, किसी ने फ़ारेनहाइट बना दी, ठीक है, और किसी ने कैल्विन बना दी। तो ये कैल्विन एक्चुअल में नाम है जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा था उसका, और फ़ारेनहाइट भी, ठीक है, फ़ारेनहाइट भी नाम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वैसे फ़ारेनहाइट के बारे में आपके एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी हमने बात कर ली। और भी अगर आपको चेंज करने के लिए बोला जाए तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, आपको कुछ भी बोला जाए आप इसमें पुट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो कैल्विन से रिलेटेड आता है, तो हम बात करते हैं कैल्विन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्विन के बारे में कि सेल्सियस और कैल्विन में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि कैल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि कैल्विन भी एक ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की जिसको विलियम कैल्विन ने निकाला था, ठीक है ना। और
ये जो होता है इनका आपस में रिलेशन ये होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का हम डिग्री लगाते हैं, पर केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ये डिग्री में होता है, ये डिग्री में नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन के, ठीक है। अब इसके बाद आप जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो उतना ही आपको केल्विन भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बनाते हो तो यहां पे बन जाएगा 274.16 केल्विन। 2 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 275.16 केल्विन, और ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373.16 केल्विन के, ठीक है। आप चाहें तो इसके पीछे का 0.16 को इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। आप सिर्फ इसको 273, इसको 274, इसको 275 और इसको 373 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन के, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर इसके होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केल्विन की शुरुआत कहां से होती है, आपको एक बात याद रखना है कि जो केल्विन जो होता है ना, केल्विन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, के से, मतलब इसका एस और सिंबल भी के है, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, केल्विन जो होता है हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर है, इसको नेगेटिव में नहीं नापते। केल्विन को हमेशा पॉजिटिव में नापा जाता है, इसको नेगेटिव में नहीं नापा जाता है। जैसे आप सेल्सियस को तो नेगेटिव में भी नाप सकते हैं, जैसे आप कई बार बताते हैं कि भाई जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है हम कहते हैं वहां -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जब हम कहते हैं पहाड़ों की बात करते हैं, बर्फ वाले इलाकों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे बहुत कम टेम्परेचर है, वहां पे -3 डिग्री -5 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं बता रहा था कि पहाड़ों में जैसे माइनस का टेम्परेचर पहुंच जाता है, पहाड़ों पे आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे, या बर्फ वाले इलाकों में माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, -3, -4, -5, -10 भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो हम डिग्री सेल्सियस को माइनस में भी नाप सकते हैं कि माइनस का भी होता है ये, ठीक है ना, -1 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस। पर कैल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है, कैल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसीलिए इसको कहां से शुरुआत किया गया है, इसको वैसे तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर बराबर है 273.16 केल्विन के, इसका मतलब क्या है कि जो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन बराबर होता है माइनस का 273.16 डिग्री सेल्सियस, या सिर्फ 273 ही लिख लो, इतना ही बहुत है। माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 केल्विन के, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर बोल रहे हैं 273 केल्विन के, इसका मतलब है 0 केल्विन बराबर होता है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस के। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 0 केल्विन क्या होता है, ये 0 केल्विन वो मिनिमम टेम्परेचर है जो पॉसिबल है हमारे अर्थ पे या हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। कि साइंटिस्टों का कहना है कि 0 डिग्री केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसके बाद एटम मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है इस टेम्परेचर को, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे जो हमारे लिए एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो कैल्विन स्केल बनाई गई है वो बनाया गया, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा जीरो या पॉजिटिव में ही रहेगा। 0 डिग्री जो है, 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो है, उससे ऊपर के टेम्परेचर पॉसिबल है, ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है जो हमारे लिए एग्जिस्ट
करता है। और ये जीरो केल्विन की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो ये चीज आपसे वैसे नहीं पूछी जाती है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे और साइंस लेंगे तब। ठीक है, फिलहाल हमने बस इसके बारे में समझ लिया कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है, जीरो केल्विन जो कि मिनिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और उसका नाम हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, और ये बराबर होता है माइनस 273.16 केल्विन के। और अगर हम जीरो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। फिर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274 केल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस 275 केल्विन, ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। अब आपके एग्जाम में आता है इनको चेंज करना कि आप सेल्सियस से केल्विन में चेंज करके दिखाओ या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करके दिखाओ। तो कुछ मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसमें आपको ऐसे आपस में इंटरचेंज करना है इनको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखे टेम्परेचर, आपको इन्हें चेंज करना है केल्विन के अंदर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, आपको इसे केल्विन में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस में 273। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस प्लस में 273। तो अगर मुझे ये केल्विन में निकालना है तो ये 25 प्लस में 273 कर दूंगा और ये आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया बस कि केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस में 273, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये इसको हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। क्या मानते हैं, रूम टेम्परेचर। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपसे बोला जाए रूम टेम्परेचर पे, कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पे है तो हम जो एवरेज रूम टेम्परेचर मानते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे हमने यहाँ पे इसको समझ लिया। ठीक है, अगला जो है 73 डिग्री सेल्सियस। तो 73 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है केल्विन में। तो 73 केल्विन बराबर होता है C प्लस में 273, हमेशा ऐसे लिखना फॉर्मूला। तो केल्विन बराबर हो जाएगा 73 प्लस में 273। ठीक है, 3 और 3 6 7 7 14 2 और 1 3, तो हो गया 346 केल्विन। अगला क्या था, अगला मैंने लिखा था 40 माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर माइनस का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें करना वैसे ही है। तो केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस में 273, तो ये बन जाएगा माइनस का 40 प्लस में 273, इनको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 233 केल्विन। हो गया, तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अब ये तो हमारे थे सेल्सियस से केल्विन वाले, अब हम करते हैं केल्विन से सेल्सियस वाले। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। तीन टेम्परेचर हमें दे रखे हैं, 375 केल्विन, 280 केल्विन एंड 173 केल्विन। तो आइए इनको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सेल्सियस का। तो जैसा कि अभी मैंने केल्विन का फॉर्मूला लिखा था C प्लस में 273, तो अगर मुझे इसमें से सेल्सियस निकालना है तो ये 273 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा K माइनस 273। तो बस सिंपल है कि अगर आपको सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर मुझे जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करना है तो इसमें मुझे करना पड़ेगा, केल्विन में मुझे 375 केल्विन दे रखा है, इसमें से मुझे माइनस करना है 273 केल्विन। तो ये बराबर आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 1, तो 102 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस कितना आ गया 102। अब सेकेंड पार्ट, इसमें भी सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, अब केल्विन में दे रखा 280 माइनस 273 तो बचेगा 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अगला
173 केल्विन, तो C बराबर के प्लस माइनस में 273, C बराबर 173 माइनस 273, तो C बराबर आ जाएगा माइनस का 100, यानी कि माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसे किसी कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, और सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपसे बोला जा सकता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने, एक्चुअल में ये दो फॉर्मूले भी नहीं है, ये सिंगल एक ही फॉर्मूला है जिसको आप आगे पीछे करके बना सकते हैं कि सी बराबर के माइनस 273, या अगर आपको के निकालना है तो उधर ले जाके इसको प्लस कर दो, के बराबर टू सी प्लस में 273। ठीक है ना, तो एक ही फॉर्मूला है, उसको आप बस 273 को एक बार इधर रखना है और एक बार पुट उधर पुट कर देना है, उधर करोगे तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा। तो उसी फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहें तो मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं जमनांक, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर्स होते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर्स, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाना मतलब पिघल जाता है, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में बोले तो उसका गलनांक बोला जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हर मैटर के लिए अलग अलग होता है, कि अगर आपके सामने एक आइस है, वाटर, ठीक है ना, वाटर का आइस है, देखो आइस जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। और अलग अलग जो मैटर होते हैं सबका अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आप अगर आयरन लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, एल्यूमिनियम लेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, आप कॉपर लेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, हर मैटर का अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट, अपना अलग फ्रीजिंग पॉइंट, अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाता है, ठीक है, उसे उसका क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम वाटर की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि आइस जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, द मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अगर केल्विन में बात करें तो 273 और सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। बात है अगला फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो किसी जो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। आपको और किसी के फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं कि किसका कितना होता है, अगर आपको जानना है, इंटरेस्ट है इस चीज के लिए, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसको सर्च कर लेना, ठीक है ना। बाकी आपके जो एग्जाम में आता है वो है सिर्फ वाटर का, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और आपको फ्रीजिंग पॉइंट सब याद रखना है,
ठीक है, वाटर का जो मेल्टिंग यानी कि जो वाटर जो आइस फॉर्म में होता है जिस टाइम, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है किसका, वाटर का, ऑफ वाटर इज, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 केल्विन। और तीसरा आया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है, और उबल के क्या बन जाता है, गैस। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस तापमान पर कोई द्रव उबल कर गैस बन जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाटर की, कि वाटर कितने टेम्परेचर पे उबलता है, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। अब एक आपको यहां पे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हम यहां पे देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, कि भाई जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है। कहने का मतलब कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती है, और दूसरी तरफ जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, 0 डिग्री पे बर्फ जो है वो पानी बन रहा है, और 0 डिग्री पे ही जो पानी है वो बर्फ बन रहा है, यानी कि इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक ही टेम्परेचर है पर एक तरफ बर्फ जो है पानी बन रहा है, दूसरी तरफ पानी जो है वो बर्फ बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक है कि एक ही टेम्परेचर पे पानी जम भी रहा है और उसी टेम्परेचर पे बर्फ पिघल भी रही है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो है लेटेंट हीट का, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, लेटेंट हीट का। क्या होती है ये लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को हम हिंदी में कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, जो हिडन होता है, ठीक है, लेटेंट मतलब हिडन, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई ऊष्मा, यानी कि जब हीट छुप जाती है तो उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे दो तरह के लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अब मैं समझाता हूं आप लोगों को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने, और ठीक है, इसमें कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, और इसे बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। क्या होते हैं ये दोनों, आप समझें, एक प्रैक्टिकल है इसमें जो आप करेंगे, कि आप देखेंगे कि अगर जैसे आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, आपने एक बीकर लिया और उसमें के अंदर कुछ आइस ले लिया, आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, और इसमें आपने एक डाल दिया थर्मामीटर, ये एक थर्मामीटर है, जो कि टेम्परेचर नापने का काम करता है। आपको पता है थर्मामीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर नापने का। और आप इसको नीचे से ना गर्म कर रहे हैं, ये बर्नर है और जिसमें ये आग लगी हुई है, और आप इस बर्फ को गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि
जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगी और पिघल के क्या बनेगा, वो वाटर यानी पानी। ठीक है, तो जब आप इसको जलाएंगे नहीं ना, अगर उस टाइम आप बर्फ का टेम्परेचर नापेंगे तो आपका इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका टेम्परेचर उस टाइम होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको एक बात देख के हैरानी होगी कि आप जब इसको गर्म करेंगे, जब तक ये गर्म होता रहेगा यानी कि जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बर्फ के फॉर्म में रहेगा, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तब जबकि उसके नीचे आग लगी हुई है, आग जलने के बाद भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब तक जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती। ठीक है ना, ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती। जब तक पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी ना, तब तक उस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा आपके थर्मामीटर पे। और जब सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, यानी उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। पर हम देख रहे कि हमने नीचे आग इसमें जला दी है, फिर भी जब तक कि बर्फ पिघल नहीं रही, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। एक्चुअल में हम कभी भी किसी चीज के को हीट करते हैं, यहाँ पे आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है ना, गर्म करने से हीट देते हैं, तो हीट देते हैं तो उस हमारे हीट देने का काम एक ही होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना। ठीक है, हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। पर यहाँ पे तो हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, जब तक कि उसका वो पिघल नहीं रहा। हम तब तक की ही बात कर रहे हैं जब तक पिघल नहीं रहा, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब तक बर्फ नहीं पिघलती तब तक की। ठीक है, तो हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं पर वो उसका टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, उसका टेम्परेचर वहीं का वहीं है 0 डिग्री सेल्सियस, ये कैसे हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल में हीट का काम होता है रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना, एक्चुअल में हीट का काम होता है टेम्परेचर को बढ़ाना। पर यहाँ पे जो हीट होती है ना, यहाँ पे ये जो हीट है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही, वो इसका स्टेट चेंज करने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, इसका स्टेट चेंज करने का, यानी कि इसको बर्फ से वाटर बनाने का काम कर रही है। ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या काम कर रही है, बर्फ से वाटर बनाने का। इसका मतलब यहाँ पे है कि इस हीट का काम यहाँ पे ये हो रहा है, ये अभी कह रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, इसमें ये हीट अभी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। ठीक है, जब तक कि इसका पूरा का पूरा सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक उसका हीट वो नहीं बढ़ा रही, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। और जैसे ही वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। तो फिलहाल जो इसके अंदर हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो कि इसके स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, ना कि इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, इसी हीट एनर्जी को लेटेंट हीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी वो छुप के काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, छुप के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हीट का काम होता है टेम्परेचर को बढ़ाना, पर यहाँ पे हीट जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो क्या काम कर रही है, वो उसके स्टेट को चेंज कर रही है, यानी कि हीट कुछ ना कुछ काम कर रही है पर वो छुप के कर रही है, क्योंकि उसका सामने वाला काम क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना, पर यहाँ पे वो टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रही, यहाँ पे वो स्टेट चेंज कर रही है, यानी कि यहाँ पे हीट जो है वो क्या काम कर रही है, छुप के काम कर रही है। और छुप के काम करने की वजह से ही हम इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और इसमें हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। किससे, किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, इसीलिए इस वाले लेटेंट हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहां से वर्ड निकल के आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि जब आप एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, जब आप एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बर्फ को यानी कि आइस को गर्म करते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी देते हैं, तो उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है। और उस समय जो हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है उसके स्टेट को चेंज करने में, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो आप बोलेंगे द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या बोला मैंने इसकी डेफिनेशन, दैट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो जैसा कि हमने समझा, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हिंदी में अगर हम बात कहें तो इसे हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। हिंदी में अगर इसका आप डेफिनेशन कहें तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, बस स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट अलग हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आप लिक्विड लेंगे यानी वाटर लेंगे, पानी, ठीक है। ये आपने पानी लिया और आपने पानी को गर्म किया, इसके अंदर आपने एक डाल दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको गर्म करते हैं तो वाटर उबलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, और उस टाइम जब जब जिस टाइम ये उबलेगा उस टाइम इस पे टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, या हम अगर कैल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होगा। उस टाइम इसका टेम्परेचर 373 केल्विन होगा, ठीक है। अब देखेंगे ना आप कि जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और 100 डिग्री के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। क्या 100 डिग्री से आगे टेम्परेचर नहीं होता, तो होता है, पर वो बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहां पे भी वही बात हो रही है जो यहां पे हो रही थी। यहां पे क्या था कि जब तक ये स्टेट चेंज नहीं कर देगा इसका पूरा, यहां पे बर्फ का जब तक पूरा का पूरा ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रहा था तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो यहां पर भी वही होता है कि जब ये 100 डिग्री पहुंचता है तो गैस बनने लग जाती है, ये गैस निकलने लग जाती है, ठीक है, यानी ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब तक ये सारा का सारा लिक्विड गैस में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे जो हीट एनर्जी है, यहां की भी जो हीट एनर्जी है वो क्या काम कर रही है, 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमने बात करी हीट का काम होता है टेम्परेचर बढ़ाना, पर फिलहाल यहाँ पे भी वो हीट जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। यहाँ पे जो हीट है वो भी इसके स्टेट को चेंज कर रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो यहां पे भी जो हीट एनर्जी है वो छुप के काम कर रही है, ठीक है, छुप के काम कर रही है। तो इसलिए ये भी क्या है, यहां पे लेटेंट हीट, ठीक है ना, यहां पे भी क्या है, ये लेटेंट हीट। और यहां पे जो लेटेंट हीट है वो कर क्या रही है, लिक्विड को गैस में चेंज कर रही है, लिक्विड को गैस में चेंज कर रही है। और लिक्विड को गैस में चेंज करने का काम जो होता है उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, इसलिए इस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लें कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज आप इतना रिवाइज कर लें और इसके बाद हम मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।